हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हन बनाक थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रियल लीनियर स्पेस के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस के बारे में। ओके, तो ये थ्योरम थोड़ी लेंथी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बनी रहिए एंड तक। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसने पहला नहीं देखा हो, लास्ट नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप देख सकते हो या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसका स्टेटमेंट क्या है कि लेट एक्स बी ए रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। सेम वही है जो हमने रियल में किया था, वही कॉम्प्लेक्स में, तो वही चीज़ लिखना है कि एक्स कोई एक रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। पी बी ए रियल वैल्यूड फंक्शनल, ठीक है ना। P क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शनल है। देखिए हमारा x क्या है, कोई एक रियल है, ये क्या है रियल, और P क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शनल, रियल वैल्यूड फंक्शनल, ठीक है ना। ये बिल्कुल बहुत अच्छे पॉइंट हैं ऑन x, x पर विच इज सब एडिटिव, जो कि क्या है सब एडिटिव है। हमने सब एडिटिव की कंडीशन भी बताई थी कि सब एडिटिव मतलब जब भी कोई दो फंक्शन आपस में ऐड होते हो तो उनका एडिशन अलग अलग हो जाता है। जो दिया गया है कि दैट इज फॉर ऑल एक्स प्लस वाई बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एक्स में, तो पी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। एंड फॉर एवरी स्केलर, अगर कोई एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो जिसे सेटिस्फाई करेगा पी अल्फा एक्स, ये स्केलर आती है तो बाहर आ जाएगा मॉड में, ठीक है ना। मॉड ऑफ अल्फा या पी ऑफ अल्फा इनटू पी ऑफ अल्फा एक्स, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। फर्दर मोर लेट एफ बी द लीनियर फंक्शनल विच दैट इज डिफाइन ऑन द सब स्पेस जेड ऑफ एक्स एंड सेटिस्फाई। तो f लेस देन इक्वल टू कैसा होना चाहिए, p ऑफ x, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स, इक्वेशन जो कि x बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल z में। यहाँ पर z और x दो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे, इसको थर्ड दे देंगे। देन f हैज ए लीनियर एक्सटेंशन f tildes फ्रॉम z टू x, अगर f कोई एक लीनियर एक्सटेंशन है, ठीक है ना। एप क्या है हमारा, लीनियर एक्सटेंशन किसमें, एप टिल्डेस फ्रॉम जेड टू एक्स, तो ये सेटिस्फाई करेगा कि जो मॉड ऑफ एप टिल्डेस है ये लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है ना। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है। इतना इसमें हमें ये चीज़ दी गई है कि हमारा ये सब एडिटिव है, स्केलर क्वांटिटी है और इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। इसका प्रूफ हम टू टाइप में करेंगे, एक रियल वेक्टर स्पेस में, एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में। तो सबसे पहले देखते हैं हम रियल वेक्टर स्पेस कि सपोज एक्स इज रियल वेक्टर स्पेस, एक्स है, एक्स क्या है हमारा, कोई एक रियल वेक्टर स्पेस है। तो देन इक्वेशन थर्ड, हम इक्वेशन थर्ड से क्या लिख देंगे, हमने क्या लिया था कि इम्प्लाइज दैट, हमारा इक्वेशन थर्ड क्या था कि जो एफ ऑफ एक्स रहेगा लेस देन किसका, पी ऑफ एक्स, जहां पर एक्स बिलोंग्स क्या कर रहा है जेड में, क्योंकि ये किससे था, हमने इक्वेशन थर्ड हमारा जो दिया गया था तो हमने इसकी सहायता से लिख लिया है। तो देन वाइन हैन बनाक थ्योरम फॉर रियल वेक्टर स्पेस, जो हमने रियल वेक्टर स्पेस में हैन बनाक थ्योरम प्रूव की थी उसकी सहायता से हम लिखते हैं कि देयर इज ए लीनियर एक्सटेंशन एफ टिल्डेस फ्रॉम जेड टू एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ टिल्डेस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है। तो फॉर दिस एंड इक्वेशन सेकंड, अब हम इक्वेशन इससे और इक्वेशन सेकंड से क्या देखेंगे, इसको हम दे देंगे इक्वेशन फाइव। तो ये क्या देखेंगे, जब इनको हम बराबर करेंगे तो माइनस एफ टिल्डेस इक्वल टू, हमारा ये माइनस है, ये कहाँ चला जाएगा, अंदर। तो एफ टिल्डेस ऑफ माइनस एक्स लेस देन पी ऑफ माइनस एक्स, जब ये एफ टिल्डेस किसके बराबर है, देखिए एफ टिल्डेस एक्स किसके है, पी ऑफ एक्स के, तो हमने एफ टिल्डेस एक्स को क्या लिख दिया, पी ऑफ एक्स, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ। तो पी ऑफ एक्स, अब ये माइनस का माइनस ही रहेगा, अब जब भी हम इसको बाहर निकालते हैं माइनस को तो ये मॉडुलस में निकल जाएगा, क्या बचेगा, पी ऑफ एक्स,
तो इधर पूरा ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स, यानी माइनस एफ टिल्डेस ऑफ एक्स लेस देन किसका है, पी ऑफ एक्स का। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हम क्या कह सकते हैं, जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में देखेंगे कि जो लेट एक्स भी एक, अब हम पहले हमने एक्स को क्या लिया था, रियल वेक्टर स्पेस, अब हम क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में। तो लेट एक्स वी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, तो देन जेड इज आल्सो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, तो जेड हमारा क्या होगा कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा। तो हैंस एफ इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एंड वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स होगा वो एफ वन एक्स प्लस आयोटा एफ टू एक्स, यानी ये तो हमारा रियल रहेगा और ये हमारा कौन सा पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा गया है कि जो फोर ऑल है एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, तो इसमें लिखा है कि वियर जो एफ वन एंड एफ टू हैं वो कैसे हैं, रियल वैल्यूड फॉर मूवमेंट विद रिगार्ड एक्स एंड जेड में, यानी एक रियल है एक कैसा है, इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो हम उसके आगे लिखेंगे कि एज रियल वेक्टर स्पेस एंड डिनोट देम वाई एक्स आर एंड जेड जेड आर रिस्पेक्टली, तो हम इनको उसके रियल वेक्टर स्पेस और के फॉर्म में लिखेंगे एक्स आर एंड जेड आर के रिस्पेक्ट में। तो आप इस काम करिए कि थ्योरम को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप लिखकर प्रयास कीजिए, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएंगे, क्योंकि थ्योरम थोड़ा जितना क्या कहते हैं कि जितना प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उतना ज़्यादा अपन को आतने लगता है। तो वही चीज़ रहता है मैथमेटिक्स में, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आता जाएगा। इसके आगे चलते हैं कि दिस सिंपली मींस दैट वी रेस्ट्रिक्ट मल्टीप्लिकेशन वाई स्केलर टू रियल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड जो दिए गए हैं उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका, रियल नंबर्स का, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की बजाय हम किसका करेंगे, रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो सिंस एफ इज रियल फंक्शनल, तो रियल हमारा क्या है, एफ इज रियल लीनियर फंक्शनल ऑन जेड एंड एफ वन एफ टू क्या है, रियल वैल्यू, तो एफ वन एंड एफ टू आर लीनियर फंक्शनल ऑन जेड आर। तो आल्सो जो एफ वन एक्स है वो लेस देन इक्वल टू किसका होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे हेंस वाई इक्वेशन थर्ड, तो जो एफ वन एक्स है लेस देन इक्वल टू किसका है, पी ऑफ एक्स का, तो फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड आर। अब हम फिर से लिखेंगे जो हमने प्रूव की थी वाई हैन बनाक थ्योरम फॉर रियल वेक्टर स्पेस। हमने रियल वेक्टर स्पेस में हैन बनाक थ्योरम को क्या बताया था कि जो एफ टिल्डेस है लेस देन किसका होगा, पी ऑफ एक्स का। तो भाई चीज इसमें है कि देयर इज ए लीनियर एक्सटेंशन एफ टिल्डेस ऑफ एफ वन फ्रॉम जेड आर टू एक्स आर, तो सच दैट एफ टिल्डेस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू जेड आर। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। नाउ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड, अब देखते हैं कि जो आई एफ वन ऑफ एक्स प्लस आई यानी आयोटा एफ टू एक्स, तो इक्वल टू हमने क्या किया है आई एफ एक्स के में माना है। तो यहाँ पर जो आई है ये अंदर चला जाएगा क्योंकि एफ हमारा क्या है, लीनियर है, तो एफ ऑफ आई एक्स, ठीक है ना। अब हम इसका आई का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा, आई आई क्या होता है आई स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस एफ टू एक्स इक्वल टू एफ एफ वन आई एक्स प्लस आयोटा एफ टू आई एक्स। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयरिंग कर लेंगे। तो हम कंपेयरिंग करते हैं तो क्या आता है कि एफ वन एक्स इक्वल टू एफ टू आई एक्स आता है हमारा, एंड माइनस एफ टू जो हमारा एफ टू एफ टू ऑफ एक्स है वो किसके हो जाएगा, इसके एफ टू ऑफ आई एक्स, फोर ऑल है एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 8। हैंस इफ फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, तो बी सेट हम लेंगे कोई सेट कि जो एफ टिल्डेस ऑफ एक्स है इक्वल टू एफ टिल्डेस एफ वन टिल्डेस ऑफ एक्स माइनस आयोटा एफ वन टिल्डेस ऑफ आई एक्स
फोर ऑल, जहां पर एक्स बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एक्स में, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 9, जो हमने क्या है लिखा है यदि कि हमारा एक्स बिलोंग्स कब होता है, जब कैपिटल एक्स में होता है। जी हमारा कब कर रहा था, जब एक्स बिलोंग्स किस में कर रहा था, जेड में, ठीक है ना। ये हमारे कब है कि जब हमने दोनों को किस में किया, कंपेयरिंग करने पर। अब आगे चलते हैं, बी सी फ्रॉम 8, हम इक्वेशन 8 से देखते हैं कि दैट एफ टिल्ड ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। दिस शोज दैट कि एफ टिल्ड है इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ फ्रॉम जेड टू एक्स, इट रिमेन्स टू प्रूव। अब देखिए कि हमने इक्वेशन 8 से क्या देखा, देखिए हमने इक्वेशन 8 से क्या देखा कि जो एफ टिल्ड ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, जहाँ पर फोर ऑल कर रहा है एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, ठीक है ना। ये हमने किससे देखा, इक्वेशन नंबर 8 से देखा है। इसका मतलब ये है कि जो एफ टिल्ड ऑफ एक्स है ये एक्सटेंशन कर रहा है एफ किस में, एक्स ओवर जेड, एक्स ओवर जेड यानी जेड टू एक्स, ठीक है ना। वही दिया गया है कि दिस शोज दैट कि एफ टिल्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ फ्रॉम जेड टू एक्स, तो इट रिमेन्स टू प्रूव। अब हमें क्या प्रूव करना होगा, इसमें हमें दो कंडीशन प्रूव करनी होगी कि जो एफ टिल्ड है इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन द कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस एक्स, और एफ टिल्ड सेटिस्फाई फोर्थ ऑन एक्स, यानी जो एफ टिल्ड है वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 4 को किसमें, ऑन एक्स में। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले कंसाइडर करेंगे कि जो एफ टिल्ड है ए प्लस आयोटा बी ऑफ एक्स, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसमें एफ टिल्ड लिया और ए प्लस आई बी ऑफ एक्स किया। अब अंदर हम क्या कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका अलग कर देंगे। जब इसका अलग करेंगे फिर ए को हम अलग अलग ले लेंगे, जे क्यों है, जे हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट को हमने सबको बाहर कर दिया। जब हम बाहर करेंगे तो एफ वन टिल्ड ऑफ एक्स और एफ वन टिल्ड ऑफ आई एक्स, इनके अलग अलग करेंगे। जब इनके हमने अलग अलग किए हैं तो हमारा क्या है, ए प्लस आई बी एफ वन टिल्ड ऑफ एक्स माइनस आयोटा, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, ए प्लस आयोटा बी एफ वन टिल्ड आई एक्स, इन दोनों में से दोनों कॉमन ले लिए ए प्लस आई बी, ठीक है ना। तो क्या बचा, एफ वन टिल्ड ऑफ एक्स माइनस आयोटा एफ वन टिल्ड ऑफ एक्स, इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, एफ टिल्ड, ठीक है ना। तो ए प्लस आई बी एफ टिल्ड, तो दस कि जो हमारा क्या हो जाएगा, एफ टिल्ड ए प्लस आई वी ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस आई वी एफ टिल्ड ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पूरा किसका होगा, एफ ऑफ एक्स का, ठीक है ना। तो भाई अब हम क्या करेंगे आलसो, अब इसी तरीके से कि जो एक्स और वाई हैं वो बिलोंग्स करें कैपिटल एक्स में, तो एफ टिल्ड एक्स प्लस वाई, इसी तरीके से हम एक्स प्लस वाई का कर देंगे। जब एक्स प्लस वाई का करेंगे सेम वही कंडीशन फॉलो होगी, और करने पर जो हमारा किसका आ जाएगा, एफ टिल्ड ऑफ एक्स प्लस एफ टिल्ड ऑफ y, जो हमारा किसको होल्ड्स कर रहा है, इक्वेशन फर्स्ट को हमारा होल्ड्स कर रहा है। तो अब इसी तरीके से हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, प्रूफ हो जाती है। सबसे हमें क्या बताया कि जो f tilde x plus y है, हमने इसको क्या प्रूफ कर दिया है, इसको हमने प्रूफ कर दिया है कि जो f tilde of x है प्लस f tilde of y के बराबर है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारी क्या होती है, जो फर्स्ट कंडीशन है वो कैसी होती है, प्रूफ हो जाती है, ठीक है ना। अब हम लेते हैं ना प्रूफ टू सेकंड कंडीशन, इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा फर्स्ट भी प्रूफ दैट कि जो पी ऑफ एक्स है ग्रेटर देन जीरो, तो फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो बी नो दैट, हम जानते हैं कि पी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू क्या होता है, मॉड अलग निकल जाता है ए होता है, और जब पी जीरो निकालेंगे तो जीरो अलग, यानी इसका मान हमारा क्या आएगा, जीरो। तो एंड इसका जब सब एडिटिव करेंगे तो पी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, ए होता है। जब वाई की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो हमारा ए प्राप्त होगा, यानी पी ऑफ एक्स क्या होगा, टू पी एक्स प्राप्त होगा। जब पी जीरो का मान लेस देन है टू पी एक्स से, तो जीरो टू पी एक्स से ऐसा होगा, तो पी एक्स बड़ा होगा किससे, जीरो से, क्योंकि टू का इसमें डिवाइड हो गया। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस बी सच दैट एफ टिल्ड ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन कि जो एफ टिल्ड ऑफ एक्स है मॉड इसका इक्वल टू जीरो, जब ये जीरो के बराबर है, लेस देन किससे है, पी ऑफ एक्स से, तो मॉड ऑफ एफ टिल्ड ऑफ एक्स लेस देन किसके होगा, पी ऑफ एक्स के। तो ये हमारी क्या हो गई,
एक कंडीशन आ गई, तो देन वी कैन राइट यूजिंग द पोलर एंड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। अब हम क्या करेंगे, इसको पोलर के रूप में लिखेंगे, तो एफ टिल्डेस ऑफ एक्स मॉड ऑफ एफ टिल्डेस ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा। जब हम इसको अलग तरीके से करेंगे तो हमारे जी ई की पावर माइनस आयोटा हो जाएगा और ई कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो लिख देंगे कि सिंस मॉड ऑफ एफ टिल्डेस ऑफ एक्स इज रियल, सो एफ टिल्डेस ऑफ ई की पावर माइनस आयोटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू इट्स रियल वार्ड्स। तो दैट इज मॉड ऑफ एफ टिल्डेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ टिल्डेस ऑफ ई की पावर माइनस आयोटा एक्स। अभी हमने इसको अलग की, इसको हमने एफ वन किया, तो एफ वन की पावर माइनस आयोटा एक्स लेस देन किसके, पी की पावर माइनस आयोटा। तो हमने इसको पूरा क्या कर दिया, पी ऑफ एक्स। यही हमें प्रूव करना था कि इसका मॉड ऑफ, जो हमारा मॉड ऑफ क्या होता है, एफ टिल्डेस ऑफ एक्स लेस देन किसके बराबर होता है, पी ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एक्स में। तो दिस कंप्लीट ऑफ हैन बनाक थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस। यानी हमने क्या किया था, देखिए हमने क्या किया था, जो हमारी हैन बनाक थ्योरम थी, हैन बनाक थ्योरम, इसमें हम अंतर बता देते हैं। रियल, रियल में सेम बाई कंडीशन दी गई थी, सेम स्टेटमेंट कि एक्स हमारा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, पी एस क्या है हमारा सब आइडियल फंक्शन है, तो हमारा जो पी ऑफ एक्स होगा, जो एफ टिल्डेस ऑफ एक्स है वो लेस देन किसके, पी ऑफ एक्स के, यहाँ पर फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कर रहा है कैपिटल एक्स में, ठीक है ना। वही हमने कॉम्प्लेक्स में हमें यही प्रूव करना था, केवल हमें यहाँ पर क्या करना था, मॉड ऑफ लेके चलना था, यानी मॉड ऑफ दिखाना था, मॉड ऑफ एफ टिल्डेस ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और वही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव किया है, देखिए वही चीज़ हमने कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पर प्रूव किया है। वहाँ पर हम क्या करते थे, रियल में इसी चीज़ को बताते थे, हम दो कंडीशन को लेके प्रूव करते थे, पहले इसकी कंडीशन को एफ ऑफ एक्स लेस देन पी ऑफ एक्स, जहाँ पर फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एक इसको प्रूव करते थे, एक दूसरी एफ टिल्डेस ऑफ एक्स लेस देन पी ऑफ एक्स, जहाँ पर फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा और दोनों में कंडीशन और दोनों थ्योरम समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उस लेक्चर में हम बात करेंगे लीनियर स्पेस के बारे में, नॉर्म स्पेस के बारे में, हन बनाक थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेस। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।